हेलो गाइस, दिस इज शिवम एंडी वाचिंग जीनियस गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक टिप्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आई होप आपको भी जरूर पसंद में आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं उस टिप्स की। काफ़ी बार होता ही है कि आपका कोई इम्पोर्टेंट साइट जो आप डेली विजिट करते हो और उस पर बहुत सारे एड्स चलते हो, ठीक है। एक ले लीजिए MX प्लेयर गाइस, उस पर अगर हम विजिट करते हैं किसी ऑनलाइन सॉन्ग्स वगैरह या वेब सीरीज या मूवीज वगैरह देखने के लिए, तो गाइस होता क्या है कि उस पर बहुत सारे ऐसे एड्स हमें देखने को मिलते हैं जो हमें इरिटेटिंग करते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारी जो मूवीज वगैरह हम देख रहे होते हैं उसका मजा पूरा खराब हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बिना कोई ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड कराए एक ऐसी सेटिंग जो कि उसे सेट करने के बाद आप कोई सी भी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, कोई सी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं विदाउट एनी एड, ठीक है। कोई भी एड आपको शो नहीं होगा, वो सारे एड्स डिसेबल्ड हो जाएंगे परमानेंटली और आप आराम से पूरा इंजॉय कर सकते हैं अपनी वेबसाइट। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। उससे पहले दोस्तों, ये आप चार्ट देख रहे हैं, देखिए मैं हर वीडियो में इस चार्ट का जिक्र इसलिए करता हूं दोस्तों, वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बट गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये 96% हमारे भाई बहन यार, अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा या कोई मिस्टेक्स लग रही है तो यार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। जब तक आप बताओगे नहीं मेरी मिस्टेक्स मुझे, तब तक मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाऊंगा। खुद की मिस्टेक्स खुद में ढूंढना बहुत बड़ी बात होती है गाइस। आपको जो भी इतनी सी भी मिस्टेक लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करना। तो चलिए विदाउट टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं वो सेटिंग्स क्या है। सो गाइस, आपको अच्छे से समझाने के लिए हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब यहाँ पे आपको सब कुछ अच्छे से लाइव दिखाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको MX प्लेयर ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे बीच में आप एक ऐड देख पा रहे हैं, रिफ्रेशिंग गुड वाला। और गाइस यहाँ पे हम कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो ये ऐड हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, हर किसी पर पॉपअप हुए जा रहा है, ये देखिए, ठीक है। और गाइस ये तो होगी एप्लीकेशन की बात। अब गाइस मैं आपको यहाँ पर एक वेबसाइट भी ओपन करके दिखाता हूँ, लाइक कोई सी भी वेबसाइट ले लीजिए। मैं एक कोई सी भी वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ये वेबसाइट ओपन कर लिया और ये फर्स्ट वाली पे क्लिक कर दिया, तो ये देखिए कोई सी, और इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये पॉपअप ऐड आना स्टार्ट हो गया। ये देखिए ऊपर पॉपअप ऐड आना स्टार्ट हो गया, और गाइस ये नीचे भी VPN अपडेट, ये भी एक पॉपअप ऐड है। तो गाइस इस टाइप के बहुत सारे ऐड हमें देखिए डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे अब, इन सारे ऐप सारे जो भी वेबसाइट्स आप विजिट करते हो, जो भी व्हाट एवर कुछ भी हो वो, ठीक है, कुछ भी आप वेबसाइट विजिट करते हो सारे एड्स ब्लॉक हो जाएंगे एक सिंपल सी सेटिंग से। तो देखिए सबसे पहले तो हम वो सेटिंग्स कर लेते हैं। तो आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में चले जाना है, जो भी आपका मोबाइल हो, अगर आपके सेटिंग्स में वहाँ पर सर्च बार है वहाँ पर टाइप करके आप यहाँ पे टाइप करिए DNS, ठीक है। जैसे ही आप टाइप करोगे तो आपके सामने कुछ तीन चार ऑप्शंस ओपन होके आएंगे। अगर आप MI, Xiaomi, Poco ये सीरीज़ चलाते हो या कोई अदर चलाते हो तो सभी में ये ऑप्शन आता ही है, ठीक है। आप एक बार अच्छे से सर्च कर लें, ठीक है। अगर DNS करके नहीं आता तो प्राइवेट DNS करके आप सर्च कर लें, डेफिनेटली आ जाए। अब उसके बाद आपको सेकंड वाले पे क्लिक करना है, आपके आपके फ़ोन में कहीं तीसरे पे या चौथे पे कहीं पे भी हो, आपको प्राइवेट DNS सेलेक्ट करना है। लाइक मैं यहाँ पे प्राइवेट DNS सेलेक्ट कर ली। जैसे ही आप प्राइवेट DNS सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने एक और नीचे से पॉपअप आएगा, ऑफ ऑटोमेटिक एंड प्राइवेट DNS प्रोवाइड होस्ट नेम। गाइस सॉरी फॉर द ये लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो मैं आपको यहाँ पे लाइव बोल के बता दे रहा हूँ। तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और आपको ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है dns.adguard.com सेम टू सेम एज इट इज़, आपको ये सर्च बार में एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे और आपको आ जाना है होम पे। होम पे आने के बाद आपको एक बार अपना डिवाइस जो है वो रीस्टार्ट कर लेना है। मैं इसे रीस्टार्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है।
तो एज़ यू कैन सी यहाँ पे हमने अपना जो सिस्टम था वो रिबूट कर लिया, आई मीन स्मार्टफोन रिबूट कर लिया है। अब हमें सिंपली से वही सारे वेबसाइट्स फिर से चेक करना है, लाइक MX Player एंड वेबसाइट्स। तो हम सिंपल से फिर से चेक कर ले रहे हैं। फर्स्टली हम MX Player को चेक करेंगे। और दोस्तों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें मैं बता दूँ आपको, इंटरनेट की स्पीड है उसमें थोड़ा सिस्टम देखने को फास्ट देखने को मिलता है, आई मीन थोड़ा सा इम्प्रूव ज़रूर होता है। अगर आप इस बात को नोटिस करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्या सच में इम्प्रूव होता है। नेट स्पीड यूज़ करना आप, स्पीड टेस्ट से मैंने देखा था। तो गाइस आप भी देख के करके देखना शायद होता हो। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि पहले वाला जो ऐड दिख रहा था वो परमानेंटली रिमूव हो चुका है, और देखिए कहीं पे भी वो शो नहीं हो रहा। अब ये तो हो गया MX Player। एंड आप कोई सा भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, लाइक कुछ भी ले लो, कोई सा भी एप्लीकेशन, आपको कहीं पे भी कोई ऐड शो नहीं होगा। अब देखिए उसी वेबसाइट को फिर से ओपन करके देख लेते हैं सिंपल से। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सर्च पे वेबसाइट था ये, इसे फिर से ओपन करके देखते हैं। तो गाइस देखिए फर्स्ट लिंक पे मैं क्लिक कर देता हूँ और ये वेबसाइट ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी किसी भी टाइप का कोई भी ऐड हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिला है। दैट मींस हमारी जो ट्रिक थी वो अच्छे से काम कर रही है, ठीक है। तो कैसी लगी गाइस ये छोटी टिप्स यार, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, आप मेरी जो मिस्टेक्स हैं प्लीज़ यार मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, आई मीन जो भी है आप कुछ भी कोई सा भी टॉपिक मुझे सजेस्ट किया कीजिए कि कौन सा टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियोस पे चाहिए। आई एम डेफिनेटली मैं उस पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा सर्च करके। तो दोस्तों बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक इससे भी अच्छी और इम्पोर्टेंट ट्रिक के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड बाय बाय।